वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल से ऑलरेडी आप सबने पढ़ लिया होगा कि टाइटल किस चीज के बारे में है। तो मैं आपको आज 5 to 6 हैक्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए इजी हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे मेकअप एंड ब्यूटी को लेके। पर से बिना टाइम बर्बाद करे जल्दी जल्दी चलते हैं फर्स्ट हैक के बारे में। लेकिन अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और मेरे चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो, और तो मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हैक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है स्किन केयर। यार अगर आप सबको पता है कि स्किन केयर करना हमें बहुत ज़रूरी है, बट अगर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर कोई इतना टाइम निकाल के नहीं स्किन केयर कर सकता। आई नो बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा हैक निकाला है जहाँ पे आपको अपना स्किन केयर का स्किप भी कर रहे हो तो ये कर लो, तो आपको अच्छा स्किन केयर जैसा ग्लो हो जाएगा फेस पे। तो सबसे पहले अगर बात करती हूँ तो वो है रोज़ वाटर। अब देखो रोज़ वाटर अपने फेस पे रेगुलर लगाने से भी हमारा फेस काफ़ी क्लीन रहता है, बट बात वही आ गई कि हम ना है जैसे आपको ऐसे ट्रैवलिंग किट मिल जाएगी कहीं भी आपके नियर बाय शॉप में, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। फिर आपको क्या करना है, अपना रोज़ वाटर लेना है एंड उस पर आपको बोतल पर डाल देना है, जो स्प्रे वाली बोतल होगी। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वो बहुत सेव हो जाएगा, मतलब रेगुलर आपको उस पर कॉटन लेके अपने फेस पर डिप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब भी आप बाहर से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आपको सिंपल अपनी स्प्रे वाली बोतल लेनी है एंड अपने फेस पर स्प्रे करना है। उसके बाद आप उसको फ्रीज में रख दो, तो ये आपके लिए एक इजी हैक हो जाएगा जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और क्लीन रख सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ, ये आप देखो कितना सही स्प्रे निकल रहा है। तो इसको पूरे फेस पे आपको अच्छे से लगाना। अभी मैंने मेकअप, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस हैक, और जल्दी से मुझे बताना क्या ये आपके लिए काम करा नहीं करा। ये बहुत ही इजी हैक है जो आप सभी कर सकते हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। चलो अब चलते हैं हमारे सेकेंड हैक में, स्टार्ट। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो वो है लिपस्टिक। देखो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हर जगह ट्रेंडिंग चला हुआ है ग्लॉसी लिप्स। हम लिपस्टिक जो ग्लॉसी लिप्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइक लिप्स पे, और लिप्स आपके काफ़ी ज़्यादा यू नो खिले खिले शाइन जैसे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी जो लगाया है ये भी मैंने लिप्स टिंट जिसे आप बोलते हो या फिर लिप ग्लॉस, मैंने वो लगाया, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। मैं ले रही हूँ लिप ग्लॉस। तो लिप ग्लॉस जो भी आप पिक करोगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस पर कोई भी कलर ऐड नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल ही वाइट कलर है। ओके सो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे लिपस्टिक, फेवरेट लिपस्टिक, जो भी आपकी फेवरेट लिपस्टिक है आपको उसको लेना है। एंड देन आपको इसको थोड़ा सा लेके अमाउंट में इसके अंदर आपको ऐड कर देना है लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अभी आपको शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लिप्स पे, तो आप क्या करोगे इस पर आप थोड़े से ग्लिटर ऐड कर लो, जैसे कि कोई शिमर आता है या फिर जहाँ पे आप हाईलाइट करते हो तो उसका जो शिमर रहता है आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, तो इससे लिप्स और ज़्यादा शाइन करेंगे। तो चलो अब मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ, तो पहले मुझे इसको निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं यह है। तो अब मैं इसको ट्राई करूँगी, ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे हैं लिप्स। सो अब आप देखो यार कितने ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे हैं लिप्स। तो इसको आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, इवन कॉलेज में ऑफिस में। इसमें मैंने जो कलर ऐड करा है वो पिंक और रेड में आता है, बट अगर आपको पिंक रेड कलर पसंद नहीं आते, इवन ब्राउन या न्यूड कलर पसंद आते हैं, तो आप इसमें न्यूड कलर ऐड कर दो, तो ये एक ग्लॉस रेडी है आपके लिए कहीं भी जाने के लिए, आप अच्छे से इसको लगा सकते हो। हम बात करते हैं थर्ड हैक के बारे में, तो चलो करेंगे फाउंडेशन ही लगाएंगे, लेकिन इसको बहुत ही लाइट लगाएंगे ताकि आपको एक लाइट कवरेज मिल जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फाउंडेशन को लेंगे पहले, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने ऐसे अपने हैंड पे ले लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फेवरेट सनस्क्रीन, जो भी आप यूज करते हो, तो उसकी एक और दो ड्रॉप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेनी है हमको। बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और अब आप देखोगे तो ये एक बहुत ही लाइट कवरेज बन के आ गया है। इस पर थोड़ा सा मेकअप है तो मैं इसी में आपको ऐड करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा आपको। ओके मैं इसको हाथ से ही करूँगी, तो आप देख लो कितनी अच्छे, मैं इसको हाथ से ही करूँगी तो आप देखो कितनी अच्छी कवरेज मिलेगी। सो अब मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और यहाँ पर आप क्लियर डिफरेंस देख रहे होंगे,
तो यहाँ पे अभी मैंने ब्लश ऐड नहीं करा, मैं अब ब्लश ऐड करके दिखाती हूँ आपको। अब मैंने थोड़ा ब्लश ऐड कर लिया है तो आप क्लियर डिफरेंस देख पा रहे हो, कितना ग्लॉसी सा लुक आया होगा मेरे फेस पे। आप देख रहे हो कितनी शाइन सी लग रही है फेस पे। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे करोगे तो काफी अच्छे से आपके फेस पे ग्लोइंग भी लगेगा और एट द सेम टाइम लुक्स पैची नहीं लगने वाला। तो इस हैक को आप जरूर ट्राई करना। चलते थर्ड हैक के बाद। ओके गाइस, कई बार क्या होता है कि हम लाइनर को लगा तो लेंगे वन आइस पे, बट सेकंड आइस पे उसकी जो विंग होती है वो खराब हो जाती है, या फिर कई बार लाइनर ऊपर नीचे लग जाता है। तो लाइनर लगाते वक्त एक परफेक्ट विंग बन जाए ये हर कोई चाहता है, बट लेकिन बार बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि लाइनर को अच्छे से लगाने के लिए। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो वो है ये विंग। तो इसको मैं आपको जस्ट पहले मैं आपको अपने हाथ पे दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाऊंगी। एक सेकंड में हमारा लाइनर लग जाएगा वो भी विंग के साथ। ये देखो, देख रहे हो कितनी परफेक्ट विंग बन के आई है। तो यही है इसका फायदा। और इसके साथ नेक्स्ट मिलता है ये वाला पेन। जब आप अपनी विंग बनाओगे तो इसको आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हो। कितना परफेक्ट विंग बन के आया है, दोनों आंखों में मेरा परफेक्ट लाइनर लग चुका है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं फोर्थ हैक की तरफ। तो गाइस, तो नेक्स्ट है आईब्रो। और काफी बार क्या होता है कि हमारी जो आईब्रो होती है वो कम होती है, या फिर उसको शेप देने के लिए भी हम लोग अच्छे से आईब्रो कर लेते हैं, बट हम ब्लैक यूज करते हैं, काफी अननेचुरल लुक लगता है। मैंने भी ट्राई किया है ब्लैक और मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज हुआ है कि वो काफ़ी अननेचुरल लगता है, इवन वो काफ़ी फेक भी लगता है। तो उससे बेटर तो ब्लैक की जगह ब्राउन लो, और ब्राउन जब आप लोगे तो उसका एक ऐसा एप्लीकेटर होना चाहिए, लाइक ब्रश वाला नहीं हो तो आपको ऐसे वाला यूज़ करना है, या फिर आप ब्रश वाला यूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक एप्लीकेटर आता है और जिससे आप मस्कारा होता है सेम वैसे उसका एप्लीकेटर। सो बेसिकली क्या, अगर ब्रश वाला भी लगाते हो तो उसमें टाइम लग जाता है आपको, बट ये वाला बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही सेकेंडों में आपको लग जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेटर को जस्ट ओपन करना है। सो अब आप देखो आईब्रो कितने अच्छे तरीके से शेप में आ गई है। मैंने कुछ भी नहीं करा, जस्ट ब्रश लेके मैंने हल्का सा अप्लाई कर लिया है। तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है और ये ब्राउन है तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ फेक लगाया है आपने। तो आप ब्लैक की जगह ब्राउन ट्राई करो, अगर आपको आईब्रो शेप करना अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन थोड़ा मिलना टफ होगा, बट आपको ऑनलाइन अमेजोन या अदर साइट्स में आराम से मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो एंड इसको यूज कर सकते हो। चलते फिफ्थ हैक की तरफ, आपके लिए भी इजी हो जाए। तो ये एप्लीकेटर आता है, इसमें आप ऑयल डाल सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल डाल के। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑयल आपका जो भी फेवरेट ऑयल है आपको इस पर डाल देना है इस तरीके से। पर देख रहे हो ये ब्रश टाइप के होते हैं, ये आपको कुछ नहीं करना, जब जैसे कॉम करते हैं वैसे आपको कॉम करना है। ये ऑटोमेटिक इसमें जो ऑयल निकलेगा ये आपके हर लाइक स्कैल्प में चला जाएगा। मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ हाथ में करके, तो इसमें सारी जो बूंदे बूंदे हैं वो आपके स्कैल्प पे आराम से लग जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑयल लगाने का जो मुझे लगता है। इस पर आपको कुछ भी अगर ऐड ऑन करना है, लाइक जो भी आपको अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए आप ऐड करते हो तो इसके अंदर आप उसे ऐड कर लो, आराम से बालों पर लगेगा। तो ये सबसे बेस्ट है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट हैक के बारे में। तो चलो, होता है कि क्या मेकअप हमारी स्किन को डैमेज करता है या नहीं। देखो यार, अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें तो वो डैमेज नहीं करता। अगर आप अपने फेस पे कुछ भी लगा रहे हो उसके बाद अच्छे से क्लीन कर रहे हो फेस को, तो फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसी को क्लीन करने के लिए मैंने ये ऑर्डर कर रखा था पहले ही, और मैं इसको यूज़ भी करती आई हूँ। तो इसको बोलते हैं मिसलर वाटर, और ये मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इसको क्या करना होता है। इसको आपको जस्ट ऐसे लेके आपको किसी भी लाइक कॉटन पे लो और इस तरीके से मेकअप को निकाल सकते हो। लेकिन इसको इसी का हैक बताने वाली हूँ, बट बेटर वे में। आपको ऐसी बोतल लेनी है जो कि ट्रैवलिंग के लिए आती है, और आपको इस तरीके से इस बोतल पे मिसलर वाटर आपको इसको फिल कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सबसे इजी है मेकअप उतारने में। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ, आप देख रहे हो इस तरीके से।
इस पर अच्छे से स्प्रे हो गया। अब हम इसको रिमूव करेंगे लाइक ऐसे। ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया एक बार में। बेस्ट तरीका है फेस मेकअप रिमूव करने का। ओके गाइस, तो ये वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर। और हाँ, जल्दी से मिलते हैं, तो अभी के लिए बाय।